यहाँ सामने का जो पूरा व्यू है ना, दिस इज हिमालय। ये जो दो पहाड़ है, लास्ट के जो दो और पहाड़ है, इसके पीछे पाकिस्तान आ जाता है। और उसकी जो डिस्टेंस है पाकिस्तान और इंडिया बॉर्डर की, वो सिर्फ ओके। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम गुलमर्ग। आज की सुबह काफ़ी सही रहेगी, देखते हैं। ओके, सो वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और यहाँ की जो सुबह है ना, आपको लगता है कि बस जो ये व्यू है ना, उसको आप देखते रहो। अभी बज रही है सुबह की 11 एंड फॉर गंडोला राइड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं रीफ कन्फर्म करूंगा। एंड वी आर ऑल सेट टू गो फॉर गंडोला राइड। व्हाट इज गंडोला राइड, आई विल एक्सप्लेन। गंडोला एक पॉइंट है यहाँ पे। सो वहाँ पे ना केबल कार्ड पे जाता है, वहाँ पे भी स्कीन होती है एंड एवरीथिंग। सो स्कीन तो हमने कल कर ली, सो मे बी आज ATV बाइक चलाएंगे, स्कीन नहीं करेंगे, वो राइड इंजॉय करेंगे। सो आज की जो रात है ना, वो हाउस बोट में एक्सपीरियंस करते हैं, हाउस बोट का। हाउस बोट में भी चलेंगे। ओके, सो अभी टेम्परेचर चेक कर रहा है, करंटली इट्स -4 degrees, बट लग नहीं रहा है -4। अभी धूप है ना सर पे, तो बिल्कुल -4 नहीं लग रहा। थोड़ी देर में जब धूप ठंडी हो जाएगी ना, नहीं अरे वो है, बट हाथ मेरा एक हाथ बेयर है यार, डूड विदाउट ग्लव्स हूँ मैं, नंब हो जाता है हाथ मे बी। हाँ, बट वो फील नहीं हो रहा, मे बी हम कवर्ड है। और सेकंड कि अभी धूप निकली हुई सर के ऊपर, बहुत तेज सा सूरज है, इसलिए फील नहीं हो रहा, मैं भी गिरूंगा तो तभी फील नहीं हो रहा। जैसे जैसे सूरज ढलता है यहाँ टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर गिरता है, ठंड बढ़ती है भाई। गिर गया, मैं फिसल गया एक बार, दो हमारे सारे मास्क घूम गए थे। जस्ट अभी मास्क लिया है, एंड यू नो कि कितने का मास्क है, लाइक इस मास्क के मैंने, ये 2 रुपये 1.5 रुपये सर्जिकल मास्क के मैंने अराउंड 25 रुपीज पे करे ईयर। गजब की लूट मचा रखी है भाई साहब, गजब की। और ये नेसेसिटी है, ज़रूरी है, इसलिए इसको परचेस किया है, तो कोई इसी नीड नहीं थी, मतलब क्यों मैं 25 रुपये का मास्क ले रहा हूँ यार। ओके, सो 740 रुपीज़ की टिकट है गंडोला राइड की, ऊपर 2-way की टिकट है। पैसा तो पानी की तरह बह रहा है कश्मीर में, इससे चलो दुबई जाता मैं, उधर पैसा कम लगता। और अभी जस्ट पढ़ा कि मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये का फाइन है। ठीक है भाई, ये 25 रुपये का मास्क चल जाएगा, 500 का फाइन नहीं चलेगा यहाँ। सीरियस फेज 2 का 1690 रुपये देने का। तो फेज 2 और फेज 1 में क्या डिफरेंस है? फेज 2 में और ज्यादा ठंड है, और ऊपर है, और ऊपर है वो, और वो 2 बजे तक ही चालू रहता है। अच्छा, ये 4 बजे तक चालू रहता है। अच्छा, फेज 1 फेज 2 दो फेसेस है। जो फेज 1 है वो 740 रुपीज का है, और जो फेज 2 है वो 1680 का है, 1680। सो वो 4 बजे तक चालू रहता है, मतलब 4 बजे का टाइम है, और वो 2 बजे तक खत्म हो जाता है, क्योंकि और ऊपर है उसकी हाइट और ज्यादा है। हाँ से एंट्री कहाँ, फेज 2 ऊपर हो रहा, अपना फेज 1 है, और फिर यहाँ से एंट्री है इसकी गंडोला के लिए। लोग इधर कोर्स लेते हैं 21,000 रुपये का, कोर्स लेते हैं 21,000 रुपये 15 दिन। और पूरी स्कीन सीख के जाओ, मेरा पेट टूटा हुआ था वरना मैं प्रो हूँ। ओह, 3 साल पहले टूटा था इसका, 3 साल पहले पेट टूटा, वो ठीक हो भी गया है इसका, टूट ध्यान से आ जाए तो गिरता बहुत आराम से ना। अच्छा बना रखा है, यहाँ आके वाइब है थोड़ी, स्विट्जरलैंड वाली आती है, भले गए नहीं है बट आती है। आई तो थी। ओ, यहाँ आके लाइन तो बड़ी लंबी दिख रही है। आ भाई गंडोला, ये देखो लाइन ही लाइन, लाइन ही लाइन, लाइन ही लाइन। प्लीज परचेज डूज एंड डोंट। ऊपर आते जज्बात बदल गए, बहुत भीड़ है। No, Bobby is allowed. Only Sunny Deval is allowed. Are you comedying me? So, एक में 6 जने बैठेंगे, हम तो 5 हैं। अपन 5 हैं और 5 ही बैठेंगे हम। 5 ही बैठेंगे। एक और को पकड़ना पड़ेगा, तो ठीक है। सोशल डिस्टेंसिंग। लेट हो गया यार। लेट हो गया ना? सोशल डिस्टेंसिंग। हमको 5 जने थे, भैया को एक और जना था, भैया आपका नाम बताओ। मेरा नाम हसन, हसन भाई बोलते हैं मुझे, मैं भी टूरिस्ट गाइड हूँ। अच्छा, टूरिस्ट गाइड है आप। अच्छा, पीछे वाले ग्रुप के साथ हमारे पीछे जो आ रहे हैं बंदे, अच्छा फैमिली वाले। तो भैया का मतलब हमारा, चलो हम किसी को बिठाएंगे नहीं। हाँ, अभी हम गंडोला में जा रहे हैं। अच्छा जी, आप कुछ बताओ। ये बनाया सर फ्रांस कंपनी, ये फ्रेंच कंपनी ने कंस्ट्रक्शन किया है। अच्छा, फ्रेंच कंपनी का कंस्ट्रक्शन। इसका 23 साल हो गया चलते चलते। 23 साल? हाँ, 23 इयर्स। ओके, दो फेस है ये, फर्स्ट फेस आप पे जा रहे हो। हाँ, वो तो पता पड़ा। ये कोंगडोर तक जाएगा, कोंगडोर, इसका नाम है कोंगडोर, 2.5 किलोमीटर। अच्छा जी, उसके बाद सेकंड वन इट इज अ नेम ऑफ अफोवट, टॉप ऑफ द माउंटेन, इट इज 14,500 हाई अल्टीट्यूड। ओके, तो बिहाइंड इफ यू वांट टू गो, इट्स द नेम ऑफ अफोवट दैट माउंटेन। जी जी, इफ यू वांट टू गो बिहाइंड, इट्स लाइक अ बॉर्डर एरिया। ओके, बैक साइड इट इज पाकिस्तान बॉर्डर। ओके, बट ऑल ओवर इट इज गुलमर्ग। ओके, और यू आर एंजॉय, आप ऊपर पहुंचोगे वहां पे, एवरीथिंग इज ओवरप्राइस्ड हियर।
किसका? ये जो उसकी टिकट की किसकी स्किंग की नहीं, ये जो गंडोला केबल कार की प्राइस है 740. तो ये गवर्नमेंट ऑथराइज प्राइस ना? यस सर, इट्स अ गवर्नमेंट. दे हैव अ टिकट्स. हां, वी हैव टिकट्स, सो यू कांट बार्गेन हियर. इट्स गवर्नमेंट का ही है. इट्स अ फिक्स्ड फेयर. इट्स अ फिक्स्ड फेयर. ओके, फॉर द केबल कार. क्रिसमस ट्री से ये मशहूर है. ये सारे क्रिसमस ट्री एवरग्रीन ट्रीज है. ये 12 महीने आपको एवरग्रीन मिलेंगे. अच्छा हसन भाई, ओके, हैव अ नाइस डे. आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा. आपने बहुत सारी नॉलेज दी हमको. वेलकम वेलकम. थैंक यू सो मच. हम बोलते हैं हमारा टूर से आना चाहिए. वेलकम टू एवरीबॉडी. एवरीबॉडी कश्मीर. कश्मीर में सबका स्वागत है. Everybody is welcome here. वहाँ पे एग्जिट, यही एग्जिट आ गए. सो फाइनली वी हैव रीच्ड. क्या सामने का जो पूरा व्यू है ना, दिस इज हिमालय. हमको हमारे हसन भाई ने बताया अभी, जो थे हमको केबल कार से दिखाया अभी, कि जो सामने का जो पूरा व्यू है ना वो हिमालय है. ये पूरे हिमालय रीजन है. और जो अभी जो हम करंट हाइट पे खड़े हैं वो अप्रोक्स 10,500 हाइट है सी लेवल से. हाँ, और जो फेज टू की हाइट है वो 14,000 फीट है. सोनू गिर गया. दिस इज द ब्यूटी. इसकी जो खूबसूरती ना, मैं बार बार बोलूँगा, कैमरा कैन नॉट डू द जस्टिस ऑफ दिस ब्यूटी. आपको यहाँ आना पड़ेगा, कश्मीर आना पड़ेगा, गुलमर्ग आना पड़ेगा. जस्ट हेल्प मी आउट एनीबॉडी, प्लीज कम हेल्प मी. दैट्स कॉल्ड अ ब्रदरहुड. इतना गीला हो गया मेरा पैर यार. आते से गीला कर लिया तुमने. आते से ही मोजो सॉक्स के अंदर. मोजो 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 सॉक्स के अंदर तक बर्फ चले गई मेरे. मैं नहीं कसा हूँ. आई एम सेफ राइट नाउ. क्या बकचोदी हो गई आते से ही. काफी धूप हो रही है, सीधे आंखों में आ रही. आंखें छोटी छोटी हो गई चीनी जैसी मेरी. साले को बहुत मार रहा था. रुक जाओ, एक मिनट में गीला हो जाऊंगा. क्यों क्यों हम गीले नहीं हो रहे? अरे एक मिनट एक मिनट. उनको भी लग रही है वो बेचारे. एक मिनट ओए. अरे भैया के सर पे, भैया बोले सर पे मार रहे दूसरे के. ये तो बादल. ओ शॉट है, मेरा इधर लगा था. अबे ग्लव पहन ले, हाथ जम जाएंगे. वो जैसे एजाज भाई ने बना था दूध पात्री में. हाँ बढ़िया बना था. उसकी लकड़ी चाहिए. लकड़ी लकड़ी चाहिए उसकी आंखें और मुंह बनाने के. ये देखो, ये दो गधों की मेहनत. ये देखो, और दो गधों की मेहनत. कौन पहले बनाता? आ जाओ. वन अभिषेक. अच्छा तो कोई नहीं बना पाएगा. बना कौन? ये देखो, अबे क्या मिट्टी के घड़े बना रहा है क्या अभिषेक? बोल, ये आटा गूंद रहा है हिमांशु. अबे बर्फ कड़ा के रे वो नहीं. अरे आखिरी सबकी. अबे गांधी जी के तीन मंदिर. हाय पुराना सुनो. हाय गाइस, पुराना देखो, पुराना बोलो. ये तो बोलता ही सबसे ज्यादा बुरा ही है. क्या करो? मदद. मदद यही पड़ा था आज रात. अन्याय हो रहा है मेरे साथ. अन्याय. इसको गिराया नहीं यार. अगर मैं वो खींचा तो ना हेल्प के नाम पे. मैं नहीं खींचूंगा. पक्का? पक्का. रुक जा मैं करता हूं तेरी हेल्प. अभिषेक तू उधर. तू मेरा सूस. मेरा हाथ आगे तो आया यार. वन इन अ लाइफ टाइम कभी ना कभी मौका जब भी मिलेगा ना स्की सीखूंगा. जब भी थोड़ा पैसा अच्छा खासा आ जाएगा और टाइम रहेगा. टाइम अभी बहुत है, पैसा नहीं है. फिर पैसा आ जाएगा, टाइम नहीं होगा, बट मैनेज करेंगे. ओके, सो बिफोर लीविंग दिस प्लेस हमको यहाँ के एक लोकल ने बताया कि यहाँ से ये जो दो पहाड़ है, यहाँ से दो और पहाड़ है, इसके पीछे पाकिस्तान आ जाता है. और उसकी जो डिस्टेंस है पाकिस्तान और इंडिया बॉर्डर की, वो सिर्फ फोकस नहीं. ये जो इतना ब्लू वाला हट दिख रहा है, ब्लू वाला जो क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, व्हाटएवर इसको जो भी बोलते हैं, तो सिर्फ उत्तर डिस्टेंस. और वहाँ से आर्मी का बेस है. सो जस्ट इमेजिन कहाँ पे. और दिस वॉज द लास्ट डे जहाँ आज बर्फ होगी, कल के पॉइंट में श्रीनगर रहेंगे और कल श्रीनगर में बर्फ मिलेगी. कल लोकल साइट सीइंग करेंगे और आज हाउस बोट का एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा आप लोगों के साथ. सो दैट्स ऑल फ्रॉम द बर्फ़.
from the snow of Gulmarg beauty. And please do visit Gulmarg if you are coming here anytime. You will love this place. Kashmir is just a beauty. Thank you so much. Just visit here. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever want to be alone. I don't really ever feel at home.